मेंबरची हसन नामी शख्स को ढूंढ रहा हूँ। मेंबरची हो या कोई और हो, जिसे भी ढूंढ रहे हो कहीं और जाके ढूंढो। कौन है ये शेख ताब्दू कैमरे? शहर के एक नेक नाम शेख है ताब्दू कैमरे आली मकाम। जानते हो उन्हें? नालेहान में कौन है जो नहीं जानता उन्हें। शहर में बड़ी तादाद है उनके मुरीदों की, खासकर ताजर बिरादरी में। अभी चल रहे हैं हम वहां ताब्दू कैमरे की दरगाह पर धावा बोलने। खैर तो है हसन आगा, काजी साहब कुछ पूछने के लिए तशरीफ लाए हैं। शेख ताब्दू कैमरे क्या तुम ही हो? अस्तग़फिरुल्लाह, हम तो उनके कदमों की खाक भी नहीं है। मैं कातिल नहीं हूं। आज से पहले जो कोई भी खुद को कानून के दायरे से बालातर समझता था, जान ले कि उसका ठिकाना या जिंदा होगा या फिर कब्र। वो टोकरी अंदर लाकर रखती कहाँ समागा? जी रखती है मैंने। घोड़ी बीमार हो गई थी हमारी, ज़िबा करना पड़ा उसे मजबूरन, और दूध भी देना बंद कर दिया था। गाय भी दूध देना ना छोड़ दे कहीं। ठीक से चारा ना मिले तो कैसे दूध देगी कासिम आगा? अच्छा ये बताओ, काजी साहब और शेख साहब से मुलाकात कैसी रही? मैंने शेख को सारी बात तफसील से बता दी थी, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, चुप रहे। उन्होंने ये नहीं बोला कि शरीयत पर अमल करो? जी ये तो कहा उन्होंने, और ये भी कि अगर रियासत का काजी कहता है कि कत्ल हुआ है तो यकीनन हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं। इजाजत दीजिए। ये आपसे क्या कह रहे थे अम्मा जान? उसने क्या कहना है बच्चे? काजी ने मुहाजरा क्यों किया था दरगाह का, ये नहीं बताया उसने? वो बताए या ना बताए तुम फिक्र मत करो, अपने काम से काम रखा करो। बेवसी गांव का रिहायशी महमूद का बेटा, हायमा खातून का बेटा, कत्ल का मुलजिम मेंबरची हसन हाजिर है जनाब। मस्कूरा जुर्म में मुलजिम नामजद था, मुलजिम की शनाख्त का अमल भी हो चुका है। सरकारी अहलकार इस मुलजिम मेंबरची हसन के आकिलो बालिग होने की शहादत देते हैं। और मैं भी इस बात की शहादत देता हूं कि कत्ल के मुलजिम मेंबरची हसन ने दिलजी नदी के मशरकी किनारे एक शख्स अलहान को और दूसरे शख्स खलील को कत्ल किया। मैंने अपनी आंखों से देखा मेंबरची हसन को यह कत्ल करते हुए। एक और ऐनी शाहिद जो मेरे साथ था उसकी तरफ से भी मैं गवाही देता हूं। चुनाचे हकीकत सरासर यही है जिसे झुठलाने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं। मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया है। खामोश, अदालत के रूबरू हो तुम। कसमें न खाओ, कोई एतराज है तो बताओ, और नहीं है तो हमारा कीमती वक्त जाया मत करो। हकीकत वाजे हो चुकी है, फिर भी शरीयत के मुताबिक मुलजिम का एतराज सुना जाएगा। बताओ क्या एतराज है? अपनी हर सांस को गवाह बना के जहानों की तखलीक का सबब बनने वाले आखिरी पैगंबर की कसम खाकर कहता हूं, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुम्हें। मैं तो उनकी मदद को पहुंचा था बस। उस रोज सलारची मस्जिद का रुकन बनकर लौट रहा था मैं। राम असर की नमाज के लिए वजू करने नदी पर गया तो देखा कि एक आदमी मरने के करीब था, लेकिन आपको देखकर खौफ ज्यादा हुआ और भाग। अगर तुमने उसकी जान नहीं ली, ना ही जान लेने की नीयत थी, तो कातिल की मानंद फरार क्यों हुए उस वक्त, वजाहत करो। खौफ आ गया था काजी साहब, मेरी मां ना बिना है, दिल में वसवसा उठा एकदम कत्ल कहीं मेरे सर ना आ जाए।
कत्ल मैंने नहीं किया काजी साहब, बख्श दे मुझे। तुम्हारा गवाह नहीं है कोई, ना दलील अपनी सफाई में। तुम्हारा बयान भी मशकूक लग रहा है और शक से यकीन जायल नहीं हो सकता। तुम्हें दो अफराद का कत्ल करते हुए मैंने बजाते खुद अपनी आंखों से देखा उस जगह। तुम्हारे बयान पर यकीन करके तुम्हें अगर बेकसूर करार दे दूं तो यह अदालत की और हकीकत की पामाली होगी। हुक्म दिया जाता है। मुलजिम मेंबर जी हसन ने देलजी नदी के मशरिकी किनारे एक शख्स अलहान को और उसके साथ दूसरे शख्स खलील को उनका असबाब लूटने के दौरान कत्ल किया, जिसके मुझ समेत दो अफराद ऐनी शाहिद हैं। जबकि इसके बरक्स अपनी सफाई देने में कोई सबूत या किसी तरह की दलील या कोई शहादत पेश ना करने पर मेंबर जी हसन को मुजरिम करार दिया जाता है। ऐ अल्लाह तू बख्श देना मुझे, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे अल्लाह, बख्श दे। अल्लाहु अकबर, रहम कर या रब, इंसाफ कर या रब। इंसाफ कर। लोगो सुनो, इंतहाई अहम ऐलान सुनो। बेओबसी गांव के रिहायशी महमूद के बेटे मिंबरची हसन को सजाए मौत सुना दी गई है। ए लोगो सुनो, इंतहाई अहम ऐलान सुनो। मंगोल कमांडर एलान जक नोयान ने देरेगी शहर को तहस नहस कर दिया है। अखी बिरादरी के नामवर सरदार बाबा सिनान अपने साथियों समेत जन्नत मकानी हो गए हैं।
ये काजी पागल हो गया क्या? वो कातिल कैसे हो सकता है? बातें बंद करो, अपने काम से काम रखो। अरे भाई अल्लाह को मानो तुम लोग, काजी ऐसा कैसे कर सकता है? आराम से शाहीन आगा। अजमी ये सही कह रहे हैं, मंगोल काजी भी ऐसे बेरहम ना होंगे। सजाए मौत पर अमल दरामद की जल्दी तैयारी कर लो, मुजरिम से उसकी आखिरी ख्वाहिश दरियाफ्त कर लो, शरीयत के मुताबिक हो तो पूरी कर देना। जैसा आपका हुक्म काजी मोहतरम। सूबेदार, हुक्म काजी नहीं देता, अदालत देती है। कोई काजी पर शक करे तो बात काजी पर नहीं, महकमे पर जाती है। जी बिल्कुल, काजी आली मकाम, सही फरमाया। जी फरमाइए ब्रादरान, क्या मामला है, कैसे जहमत की? मेंबर ची हसन को कातिल क्यों करार दिया गया? क्या सबूत है इसके पास कि हसन कातिल है? सही बात है, बताएं कैसे पता चला? ये शरीयत का नहीं, काजी का अपना जाती फैसला है। कैसा काजी भेजा गया है ये? कहां से सबूत बना लाया कत्ल का? शोर करने से क्या फायदा, हम यहां मशवरे के लिए जमा हुए हैं, बगावत करने के लिए नहीं। सदर साहब, इनका गुस्सा बिल्कुल गलत नहीं, हमें हर सूरत यह हुक्म रुकवाना होगा। जिसने आज तक एक परिंदा नहीं मारा वो इंसान को मारेगा। बिल्कुल, ये लोग जालिम मंगोलों से क्या बचाएंगे हमें, गरीब बेसहारा लोगों को जिंदान में डाल रहे हैं पकड़ के। किस तरह का अदल है ये? अदल नहीं, जुल्म है ये सरासर जनाब। भाइयों आप सही कह रहे हैं, लेकिन शरीयत की तलवार बेरहम होती है, ये न भूलें। शरीयत काजी की नाइंसाफी का नाम नहीं है सदर साहब। पैसा खुला दो तो काजी तुम्हारा, नहीं तो दुनिया में ही जहन्नुम बना देगा। संभल कर बात करें आजमी साहब, कुछ अंदाजा भी है क्या कह रहे हैं आप? क्या गलत कहा मैंने? जो नादार हो उसे कुचल दो, जो मिस्कीन हो उसे मसल कर फेंक दो, जो अखी हाथ आ जाए उसे पीस डालो, रियासत की पूरी ताकत से हर बेकस को तहस तहस कर दो। बहुत हो गया भाइयों, बहुत हो गया। सही कह रहे हैं अजमी आगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारा एक भी बेगुना भाई मौत के घाट उतार दिया जाए तो लानत है हम पर। मंगोलों ने यही तो कमजोरियां देखी हैं हमारी, सलजोक काजी इंसाफ से मुल्क मजबूत करे तो मंगोलों की क्या हिम्मत। ये काजी इंसाफ के नाम पर धब्बा है। बिल्कुल ठीक कहा अजमी आगा, नेमन खामोश हो जाए। गुस्से का कदम खाई में गिराता है, कुछ हासिल नहीं होगा ऐसी जज्बाती बातें करने से। देखिए अखी बिरादरी सियासत में नहीं उलझती कभी। अच्छा ये बताइए क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब हमें क्या करना चाहिए, और कोई बात करनी है किसी को? मुझे बात करनी है, बिल्कुल करनी है। काजी ने हुक्म सुना दिया है मोहतरम शेख। हुक्म अलग चीज है और फैसला अलग चीज, ये बताओ कि फैसला क्या दिया? सजाए मौत सुनाई और कलम तोड़ दिया, मेंबर जी हसन की कोई बात तक नहीं सुनी उन्होंने। खैर वैसे है तो बाख्तियार, चाहे तो बख्श दे चाहे तो सर कलम करवा दे। शेख साहब शरीयत के आगे सर झुकाना ही होता है, काजी साहब के मुताबिक कत्ल का एक और गवाह भी था उनके पास, हम मानते हैं वो काजी है, बाइख्तियार है, लेकिन क्या गवाह को पेश नहीं करना चाहिए था? गवाह का तो नाम तक नहीं बताया। वो गवाह मैं हूं। सजा पर अमल दरामद की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं काजी आली मकाम, और उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूछ ली है, वो आखिरी बार अपनी मां से मिलने का ख्वाहिशमंद है। हाँ हाँ बिल्कुल, शरीयत के मुताबिक है ये, करवा दो उसकी मुलाकात ताकि शरीयत मुकम्मल हो जाए। Thank you.
السلام علیکم قاضی محترم. وعلیکم السلام مسعود آغا، کس کی تلاش ہے؟ حالات و واقعات کی روشنی میں واضح ہے کہ در حقیقت نالہان کے نئے قاضی یونس کا حکم غلطی نہیں شریعت کے منافی بھی ہے، اسے منسوخ کیا جائے اور یہ فتویٰ حکم سمجھا جائے. کس جاہل نے دیا ہے یہ فتویٰ مسعود آغا؟ شیخ محترم کا نام ادب سے لیجئے جناب قاضی صاحب. میں سلجوق سلطنت کی طرف سے نالہان کا قاضی قاضی یونس سوال کرتا ہوں کہ اس فتوے کو دینے والے کا نام کیا ہے؟ یہ فتویٰ ہمارے محترم شیخ تابدوک امری نے دیا ہے قاضی صاحب. ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ عدالت کی جانب سے دیے گئے شریعت کے مطابق فیصلے کو الف بے سے ناواقف مدرسے سے بے بہرا کوئی درگاہی شیخ تبدیل کر دے مسعود آغا. اللہ کے واسطے مجھے طلاق دلوا دے اس آدمی سے، جان عذاب میں ہے میری، ہمت جواب دے گئی ہے میری روز اس سے مار کھا کھا کر. رکو، نیچے اترو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ آپ ہی کی راہ دیکھ رہے ہیں قاضی محترم، آئیے.
خوشامدید قاضی افندی میرے غریب خانے پر. بہت خوب شیخ بزرگوار. میری آمد کا سبب تو معلوم ہی ہوگا. ذرا سانس تو لیجئے، آپ دوستوں کی مجلس میں ہیں. کیسا دوست، کس بات کا سکون شیخ محترم؟ آپ جانتے ہیں میں قاضی ہوں، پھر بھی خلاف شریعت عمل کیا آپ نے، عدالت کے فیصلے پر اعتراض داغ دیا. ایسا ہرگز نہیں قاضی صاحب، ہمیں آپ کے حکم پر اعتراض ہے، آپ کی عدالت پر نہیں. جانتے ہیں ریاستی معاملے میں مداخلت ہے یہ، الگ رہیے اس سے. حکم الگ چیز ہے، قاضی الگ چیز ہے، عدالت الگ چیز ہے. میری نگاہ میں حکم پر اعتراض، عدالت پر کیسے اعتراض ہوا قاضی افندی؟ قاضی کون ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نا، یا پھر نہیں جانتے؟ فضول بحث میں نہیں پڑنا چاہتا میں. آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ میرے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے آپ نے اخی برادری کو جو بیان جاری کیا ہے اسے فوراً واپس لے لیجئے. بہت آسان بات ہے یہ، اگر ہمارے بیان بدل دینے سے حقیقت بدل سکتی ہے تو ہم اپنا بیان بدل دیتے ہیں. اب آپ کا زخم کیسا ہے قاضی محترم؟ لگتا ہے پیدل چلنے کے بالکل عادی نہیں ہیں آپ. زخم تو اندرونی علاج سے مندمل ہوتا ہے. طبیب ہیں ہم تو قاضی صاحب، ظاہری علاج ہی کرتے ہیں ہم. ہاں اگر باطنی علاج چاہیے تو شیخ تابدو کیمرے سے رجوع کیجیے. جی اب بہتر ہے، آپ کے علاج سے شکریہ. استغفر اللہ قاضی محترم، میں نے تو صرف مرہم دیا تھا، شفا تو بس رب دینے والا ہے. السلام علیکم اماں. وعلیکم السلام. کیا کہہ رہے تھے یہ قاضی، آپ کس لیے آئے تھے؟ خوش آمدید. خوش آمدید اماں. بتائیں نا کس لیے آئے تھے یہ قاضی صاحب؟ مجھے کیا معلوم باسم، ہوگا کوئی کام انہیں. کھانا کھا لو بیٹی، ابھی بھوک نہیں ہے انا. بچے یہ مشکیزہ رکھ کے چولہا جلا دو ذرا شاباش، اور دیگچی میں پانی چڑھا دو، کھانا پکانا ہے رات کا. اسی فیصلے کے سلسلے میں آئے ہوں گے یقیناً، ان کا غصہ بھرا چہرہ دیکھا تھا تم نے؟ کیا تم نے بھی دیکھا تھا چہرہ ان کا؟ ویسے کس بات کا غصہ انہیں شیخ پر؟ بابا نے ان کے حکم پر اعتراض جو جاری کر دیا تھا. باتیں ہی کرتی رہو گی لڑکیوں، یا کھانے کی تیاری بھی کرو گی؟ ایک بات تو بتاؤ مجھے، قاضی کیوں ملنے گئے تھے شیخ سے؟ کیا باتیں کی تھی انہوں نے؟
एतराज नहीं किया फैसले पर। मैं नहीं जानता। क्या तुमने अपने कान बंद कर लिए थे? क्या कह रहे थे? कुछ तो सुना होगा। चलो शाबाश, जल्दी से सच बताओ। ब्रादरान, खैर तो है भाइयो? काजी यूनुस ताबदोग शेख की दरगाह गए थे, वही पूछ रहे थे हम सब। यूं बाजार में ऐसे मामलात पर गुफ्तगू नहीं करते भाइयों। अगर यूनुस गरीब को परेशान करेंगे तो उसके काम का हर्ज होगा, है ना? गर्मी काफी है, लोग प्यासे हो रहे हैं, परेशान हैं, इसे जाने दें। यूं लगता है कि कारीगरों का पसंदीदा मशाला काजी की जात पर गुफ्तगू करना है। मसूदा खा, बगैर इजाजत मुंह उठाकर शेख के पास चले आए वो, ये क्या तरीका है? काजी होंगे मगर एहतराम भी कोई चीज है। हमारे शेख का जरफ तो देखो, फिर भी प्यार से बात की उनसे। हाँ, कितना ही तुर्रम खान क्यों ना हो, हमारे शेख के सामने बदतमीजी कैसे कर सकता है? अपनी नाके सखलों पर क्यों जोर दे रहे हो खामखा? शेख को खूब मालूम है कि किस आदमी को हाजिर होने देना है और किसको नहीं। दरवेश से आंख मिलाकर बात करने वाला कोई अहम बात ही करने आया होगा ना। बहलूल, इस दीवाने की यहां मौजूदगी मुनासिब नहीं। बेअदब। हाँ, इस मामले पर जो भी बात करनी हो वो महफिल में करना, और कुछ यूं करना जैसे वो काजी ना हो, कोई जाहिल सरकारी अहलकार हो। फिर देखना शेख क्या कहते हैं। बादब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या शाफीर। गंदम उबलने रखी शेख साहब। कहां से आई है? आफियोन करा हिसार से, शेख रजब अफंदी ने भेजी है मोहतरम। हमारे बाग से भी कुछ से भिजवा दीजिएगा शेख को। जी, अगले कारवां के साथ भेज दूंगा। एक तरह से शेख अफंदी के इस अंदाज में एक सबक पोशीदा है। अफंदी फरमाते हैं कि हदिया भेजने से मोहब्बत बढ़ती है। या शाफी, गेहूं हमारे पास मौजूद थे क्या? जी, हमारे गोदाम में मौजूद थे, लेकिन ये भी करामान शहर से शेख अदबाली ने भेजे थे शेख मोहतरम। तो उनको भी कुछ से भिजवा दो। देखो देखो किस तरह इजाफे और बरकत का सबब बनती है ये मोहब्बत। क्या कहते हो कासिम बाबा, क्या अहदीस से हमें इस तरह का सबक नहीं मिलता? मोहब्बतें बढ़ाने का हुक्म अहादीस में भी बयान हुआ है और सुन्नत में भी बयान हुआ है। अच्छाई का पौधा बढ़ने से रोकना सुन्नत में नहीं है। किसी के लिए बुरे अल्फाज अदा करना भी खिलाफ सुन्नत है। किसी की बदजुबानी पर एतराज करना भी उसकी बदजुबानी से ज्यादा बुरी बात है। इससे मोहब्बतें कम होती हैं, लिहाजा सुन्नत तर्क नहीं करनी चाहिए हमें। मेरे दोस्त इधर आओ।
बहुत आसान बात हुई है, अगर हमारे बयान बदल देने से हकीकत बदल सकती है तो हम अपना बयान बदल देते हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, हुक्म हो तो पेश करूं। हुक्म दे तो दिया सजा का सूबेदार, अब किस लिए पेश करना है? बुजुर्गों के साथ बदतमीजी वाला वाकया, आली मकाम। रहम कीजिए खाजी साहब, रहम, माफ कर दीजिए, माफ कर दे मेरे बेटे को, मेरा बेटा किसी की जान नहीं ले सकता। आली मकाम। अम्मा नहीं, ये जुर्म बस अल्लाह ही माफ कर सकता है। खुदा के वास्ते आप मत रोइए, रहम कीजिए मुझ पर, रहम, माफी दिलवा दो मेरे बेटे को। तुम हुकूमत के आदमी हो, मेरा बेटा कातिल नहीं है, माफ कर दे, माफ कर दे मेरे बच्चे को, माफ कर दे। अम्मा मत रोए, बस कर दे, अल्लाह के वास्ते। अम्मा मेरा बेटा कातिल नहीं है। अम्मा जी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो हुकुम का पाबंद। मेरा बेटा कातिल नहीं है, रहम कीजिए मुझ पर, रहम, वो तो मच्छर भी नहीं मार सकता। अर्तगुन आफंदी, तुम्हारा दावा है कि इसने तुम्हारा माल छीना है, लेकिन तुम्हारे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। ये देखें, मेरी गर्दन पर मारपीट के निशान। काजी साहब, ये बूढ़ा सठिया गया है। काजी साहब झूठ बोल रहा है ये बिल्कुल। मैं तो उस वक्त बल्दीवी गांव में था, वहां बाजार में अपने मावन के पास था। ये गोकान गवाह है इस बात का। ये सही कह रहा है काजी साहब, मैं कुछ दिनों से अपने गाँव गया हुआ था तो मैंने इसे वहां पर देखा था। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं काजी साहब, झूठी गवाही दे रहा है ये शख्स। झूठ सच तय करना हमारा काम है अर्तुगरुल अफंदी। हुक्म सुनाया जाता है, हाजी दमीर के फर्जंद अर्तुगरुल अफंदी करीम के फर्जंद यासीन अफंदी के खिलाफ ना कोई सबूत पेश कर सके, ना कोई गवाह, ना ही कोई दलील पेश की गई। करीम के फर्जंद यासीन ने अपनी सफाई में गवाह पेश किया, जिस बात से उनकी बेगुनाही जाहिर होती है। यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं काजी साहब, इन बदमाशों ने ही मेरा माल छीना है। चलो बस, मुकदमा खत्म, काजी साहब को और भी मुकदमे सुनने हैं। हसन आगा, हसन आगा। क्या हो गया मसूद आगा, सब खैरियत तो है ना? या खुदा, ये क्या किया तुमने? काजी साहब ने और कोई चारा ही नहीं छोड़ा था हसन आगा, शेख से इजाजत ले ली है हमने हसन आगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये सब कैसे होगा? काजी साहब को क्या वजाहत देंगे? क्या हुआ है जिसकी वजाहत में मसला है हसन आगा?
क्या कह रहे हैं ये लोग सूबेदार? मेंबरची हसन की सजाए मौत के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त कोनिया की आला अदालत में दायर करना चाहते हैं काजी आली मकाम। मेरा दिया गया फैसला गलत करार दिलवाकर मनसूख करवाएंगे कुनिया से। हां, किसने तय किया है यह मामला? तुम्हारे शेख ने? खैर तो है काजी आफंदी, क्या फिर दरवेश खाने पर छापा मारने जा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपना दिया गया बयान वापस ले लें शेख मोहतरम। अखी बिरादरी को मेरे फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त करने से रोक लीजिए। नजरसानी से सिर्फ फैसला बदलता है काजी साहब, अदल नहीं। अदल तो सूरज की तरह होता है, हर सैयारा उसके गिर्द चक्कर लगाता है लेकिन वो अपनी जगह कायम रहता है। मैं अपना फैसला किस वजह से बदलूं? क्या खता है आखिर उसमें मेरी? चश्मदीद गवाह हूं मैं उस कत्ल का। अदालत क्या काजी की आंखों का नाम है? क्या काजी नाबीना नहीं हो सकता? मुझे लगा आप इतने समझदार जरूर होंगे कि इंसाफ में रुकावट नहीं डालेंगे, गवाही देंगे जो आपने मेरी तरह देखा और अदालत की मदद करेंगे। मैंने तो कातिल को देखा ही नहीं जनाब। तो आपके सामने जो ऐनी शाहिद खड़ा है उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी तस्दीक के लिए झूठ तो नहीं बोल सकूंगा जनाब। हाँ जानता हूं आप बहुत ईमानदार हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, तो अदालत में आकर उसके खिलाफ गवाही क्यों नहीं देते? मैं क्या हूं, मेरी क्या हैसियत है, क्या औकात मेरी कि मैं किसी सितारे पर कमंद डालूं जनाब अली? इस वक्त मैं आपसे बहस करना ही नहीं चाहता शेख मोहतरम। अदालत का सारा निजाम जनाब दलील पर चलता है, हम अपने वजदान से नहीं इल्म से फैसला करते हैं। फजूल नजरियात से और फलसफों से अगर फैसले हुआ करते तो फिर अदालतों में काजी की नशिस्तों पर शायर लोग और फलसफी बराजमान होते। ठीक कहते हो, काजी को इल्म की बुनियाद पर फैसले करने चाहिए। चलो हम किताबों में लिखे इल्म की बात कर लेते हैं, जिसके मुताबिक मेरा गवाह होना शरीयत के मुताबिक नहीं है। मतलब क्या है? एक नाबीना की शहादत शरीयत के लिए काबिल कबूल नहीं। खुद ही दलील घड़ ली, खुद ही फैसला भी सुना दिया अपने हक में। इसकी भी दलील चाहिए? चलो बताते हैं, कुदूरी हजरत ने इस बारे में मुख्तसरन लिखा है। आप तो लिखना पढ़ना नहीं जानते। हाँ मकतब मदरसे में किताबों के नाम रटने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी भी तो नहीं। पहली जिल्द के सफा 387 की आखिरी 3 सत्रों में वजाहत बयान की है उन्होंने इस तरह के खजिए की, आप देख सकते हैं। ठीक है, मान लेता हूं मैं ये। हजरत कुदूरी ने इस बारे में जरूर लिखा होगा कि नाबीना की गवाही को कबूल नहीं किया जा सकता किसी सूरत। तो क्या आप नाबीना हैं? ये जाहिर हो रहा है कि आपने मदरसे में बेहतरीन तरबियत पाई है। ऐसी सूरत में मंतिक की बात करना जरूरी हो गया है, यह भी एक बहुत बड़ी दलील है। फर्ज कीजिए आपके पास 2 थैले शकर से भरे हो तो आप ये दोनों थैले शकर के मुझे दे दें, तो इन दोनों थैलों की शकर देखकर क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने पूरी दुनिया की शक्ल देख ली? शक्ल तो देखी मैंने आंखों से, मगर दुनिया भर की शक्ल तो नहीं देखी। तो क्या मैं नाबीना हूं बाकी शक्ल के मामले में? बिल्कुल, करीब की चीज दिखती है बस। क्या मैं देख सकता हूं? बिल्कुल, लेकिन क्या दूर दूर तक एक एक चीज देख सकता हूं? हरगिज नहीं। दिखता है मगर सब कुछ नहीं, तो बिनाई है भी
और देखा जाए तो नाबीना भी हूं। यूं करो कि अपने दिल के शक को 10 हिस्सों में तकसीम कर लो, 9 हिस्से उसे मुजरिम कहें और 1 हिस्सा बेगुनाह करार दे तो वो शख्स बेगुनाह है, और अगर 9 हिस्से कहें कि बेगुनाह और 1 हिस्सा कहे मुजरिम है तो वो शख्स मुजरिम है। अस्सलाम वालेकुम मेहमत अफंदी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मेहमत अफंदी। वालेकुम अस्सलाम। चलो चलें। क्या अभी तक तैयार नहीं हुए बहराम आका? जल्दी करो, देर ना हो जाए कहीं। अब हमें चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। मैं पिछले जिक्र में भी शरीक नहीं हो सका था। मसूद आगा आ जाएं तो फिर निकलते हैं। लो आ गए मसूद आगा। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। अब चलना चाहिए हमें। हाँ जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। तो देर किस बात की, चलिए। हाँ। तुम लिबास तब्दील कर लेना, जाओ घर जाओ। शाबाश। जी जरूर। माज़रत काजी मोहतरम, आप हैं यहां नहीं मालूम था। अब तो मालूम हो गया। तन्हा छोड़ दो मुझे। मेरे लिए कोई हुक्म है तो फरमाइए। अब कोई मुखिल ना हो यही काफी होगा सूबेदार। एक आदमी दो लोगों को कत्ल करके भाग गया, उसको देख लिया था मैंने, लेकिन कमबख्त फरार हो गया। कातिल! कातिल! ये इंतजामात किस लिए हैं? किसी का सर कलम किया जाएगा। किसका? तुम्हें नहीं मालूम, मेंबरची हसन को सजा हो गई है। ये तो दुख वाली बात है। आपकी बात बजा है, लेकिन काजी साहब शहर भर में कहते फिर रहे हैं, हुक्म उनका चलेगा सर। इंसान की अना उसे मुश्किल में डाल देती है बेटी। इंसान के अंदर की मैं, उसका गुरूर उसे सुकून से महरूम कर देता है, चाहे वो खादिम हो चाहे वो काजी क्यों ना हो। तुम्हें याद होगा मैं यहाँ ठहरा था। जी बिल्कुल। जिसने मुझे लूटा वो भी याद होगा। रुको रुको, धोखेबाज। खताकार हूं मालिक, बहुत गुनाह किए हैं मैंने। यार अब तू बहुत गफूर रहीम है, तेरा ही आसरा। हसन तेरा बंदा है आजिज़ो गुनाहगार। अपने हुजूर बुलाने से पहले मेरा दिल अपनी मोहब्बत से भरते मालिक।